IVF का ट्रीटमेंट बहुत स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन अगर आपको सक्सेस मिल गई है तो आपको इससे ज़्यादा खुशी का दिन कोई नहीं होता। आज आपको पता चला है कि बीटा HCG आपका पॉजिटिव आ गया है, आप बहुत खुश हैं, लेकिन साथ में अंदर में एक डर भी है कि क्या ये मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल होगी, क्या मेरा बच्चा नॉर्मल होगा, क्या मैं इस डिलीवरी को मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी, क्या मैं ऐसा क्या करूँ कि अब मेरे साथ सब चीज़ सही चले। तो मन में खुशी के अलावा डर भी बहुत होता है, लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इस समय आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, पॉजिटिव रहें और डॉक्टर के कांस्टेंट सुपरविजन में रहें, क्योंकि डॉक्टर आपको बताएगा कि क्या दवाई, क्या टेस्ट, किस समय, कब करने चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, अपने डॉक्टर के ऊपर बढ़ेगा और आप देखेंगे कि IVF की प्रेगनेंसी और नॉर्मल प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, सिर्फ आपको एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग, कांस्टेंट सुपरविजन की ज़रूरत होगी। दवाइयाँ अपनी समय से लेनी है, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना है, जो आपको टेस्ट बताए गए हैं उनको उसी समय करा के उनको डॉक्टर को विजिट करना है। इस IVF प्रेगनेंसी के साथ में थोड़े अल्ट्रासाउंड ज़्यादा होते हैं, तो मन में ये संशय रहता है कि ये अल्ट्रासाउंड ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं ये मेरे बच्चे को कोई खराबी तो नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये अल्ट्रासाउंड बच्चे की ग्रोथ देखने के लिए किए जाते हैं और ये बिल्कुल सेफ होते हैं। हो सकता है कि आपको हर 15 दिन पे शेड्यू में आपका अल्ट्रासाउंड करा जाए। एक बार बच्चे की धड़कन आ जाती है तो डॉक्टर्स भी रिलैक्स हो जाते हैं कि ये प्रेगनेंसी ठीक से बढ़ रही है। फिर बच्चे की ग्रोथ के लिए अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो ये धीरे धीरे हर स्टेज पे बच्चे को असेस करने के लिए कि उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है और बाकी आपका शरीर हेल्दी चल रहा है, जब तरह देखे आपके टेस्ट कराए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड बार बार कराए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल हैं। इसमें आप मन में ये संशय नहीं रखिए कि मैं ये सब इतना करा रही हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि मेरी प्रेगनेंसी पे कुछ इसका खराब असर पड़ेगा या मेरे बच्चे को कोई, मेरा बच्चा सही होगा कि नहीं, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं आएगी। तो मन में एकदम तसल्ली रखिए कि IVF का बच्चा जो होता है या IVF प्रेगनेंसी का जो आउटकम होता है वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही होता है, कोई ऐसी उसमें खराबी नहीं होती कि जिसके लिए आप सोचो कि डर रहे आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जहाँ आपका 12 हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं तो IVF डॉक्टर आपको उन डॉक्टर के पास में भेज देते हैं जिनके पास आप आगे अपना डिलीवरी कराना चाहती हैं, जिससे कि आप उस डॉक्टर से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं जिसके साथ में आप आपको अपनी डिलीवरी पूरी करानी है। जिस हॉस्पिटल में आप जाना चाहें या जो हॉस्पिटल आप सिलेक्ट करते हो उसमें जो डॉक्टर के साथ आपको करना है, तो 12 हफ्ते के बाद में IVF यूनिट से हम लोग आपको उन डॉक्टर के पास में रेफर कर देते हैं जिनके पास में आपको अपनी डिलीवरी करानी होती है। तो मन में किसी तरह का संशय न रखें, पॉजिटिव होके चलें और जरूर आपको एक सुंदर स्वस्थ बच्चे को आप घर ले जा सकें।